हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए अभी संत जेवियर्स कॉलेज रांची में ग्रेजुएशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना शुरू हो गया है जो सभी बच्चे अप्लाई किए थे तो वो लोग अपना जितने भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किए वो वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं ऐसे में डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को पी प्रोवाइड कर दूंगा और मेरे डिस्क्रिप्सन में एक लिंक होगा जिसको क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप पी को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपना लिस्ट देख सकते हैं तो आगे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें आपको नोट कर लेना है कि इन इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है देखिए सबसे पहला बात है जो एडमिशन का स्टार्टिंग डेट है वो पाँच सितंबर से रखा है यानी आज चार सितंबर है कल से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद देखिए अभी फ़िलहाल डेट जो है वो लास्ट डेट ग्यारह सितंबर तक रखा गया है ठीक है तो ग्यारह सितंबर तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका फुल फ़ी है उसको पेड करना होगा आपको एडमिशन के टाइम आपको लॉगिन करने के बाद जो भी आपका कोर्स होगा उसका सब कोर्स का अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस होता है तो जो भी फ़ीस होगा वो फीस को आपको पे करना होगा ठीक है उसके बाद देखिए रिफंड जो होता है जैसे कि आप यहाँ पे जेवियर में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो गया और आप चाहते हैं कि मेरा कहीं दूसरा कॉलेज में एडमिशन हो गया बी में हो गया या डी में हो गया या कहीं कहीं का कट ऑफ नहीं आया तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया अगर यदि आप चाहते हैं कि फिर मुझे जेवियर में अगर यदि मैं एडमिशन ले लेता हूँ उसके बाद मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे वहाँ जाना है तो उसके लिए बहुत कोई रिफ़ंड मांगते हैं क्योंकि एडमिशन तो ले चुके रहते हैं तो इसका जो यू का गाइडलाइन है उसके तहत पर आपको रिफ़ंड पॉलिसी जो भी होगा आप लोग चेक कर लीजिएगा उसके अनुसार आपको रिफंड दिया जाएगा ओके इस बात का बहुत ही आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें उसके बाद देखिए आपका जो एडमिशन है वो अगर यदि आपका कुछ मार्कशीट वगैरह फेंक रहता है ओरिजिनल नहीं रहता है बहुत बच्चे होते हैं जो अपना एडिट करके डालते हैं तो वैसा अगर कुछ पकड़ा गया तो फिर वो प्रिंसिपल सर से ही सॉल्यूशन आपको मांगना पड़ेगा अगर यदि कोई भी आप लोगों क्वेरीज हो ठीक है तो आप लोग देखिए ईमेल दिया गया हेल्प डेस्क जीरो वन एट रेट जी एक्स आर एन डॉट ओ आर जी और एक है हेल्प डेस्क ज़ीरो टू एट द रेट एस आर एन डॉट ओ आर जी देखिए ये दोनों आप मेल में भेज सकते हैं अपना फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर सब चीज़ डाल के आप लोग इसमें क्वेरीज़ भेज सकते हैं बाकी बाद मैं आपको नीचे लिस्ट दिखाता हूँ पीडीएफ का कि सिलेक्शन लिस्ट आपको कैसे देखना है ओके फ्रेंड्स बात करें अब बीएससी एस सी ऑनर्स बॉटनी का तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है तो आपको फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप जब अप्लाई किए होंगे फॉर्म को तो उस टाइम आपको मिला होगा आप उसको एक बार देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लिए हैं या पीडीएफ डाउनलोड किए हैं या प्रिंट आउट करके रखे हैं उनको निकाल लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको मिलाएं अगर यदि आपका इसमें है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं अन्यथा आपको सेकेंड लिस्ट की इंतजार करनी होगी ओके तब तक तो के लिए मैं इस पी को अपने डिस्क्रिप्सन में लगा दूँगा ओके तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर